सब्सक्राइब कीजिए विश्वकर्मा जी चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को टेक्निकल सब्जेक्ट और लेटेस्ट टेक्निकल न्यूज के वीडियो फ्री में पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज लेक्चर सीरीज में प्रीवियस लेक्चर में मैंने बात किया था इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमेटा एंड इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज के बारे में, जहां पे हमने कई सारे जहां पे हमने कवर किया था कि किसी भी थ्योरी ऑटोमेटिक मशीन या कंप्यूटर सिस्टम की थ्योरी क्या होती है, किस बेस पे वो काम करती है। कुछ मशीन थे जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था और प्लस कुछ डिफरेंट डिफरेंट मशीन पे कौन कौन सी लैंग्वेजेस जो इम्प्लीमेंट होंगी, किस टाइप की लैंग्वेजेस होंगी, उनकी कैटेगरी को डिस्कस किया था। तो आज लेक्चर में हम मूव करते हैं आगे सिलेबस के आपके नेक्स्ट टॉपिक में। सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक में जो है अल्फाबेट स्ट्रिंग एंड लैंग्वेज। व्हाट इज अल्फाबेट, व्हाट इज स्ट्रिंग एंड व्हाट इज लैंग्वेज इन द थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज। जैसे हम देख सकते हैं, हम अल्फाबेट्स क्या होगा, अल्फाबेट्स इज ए सेट ऑफ सिंबल। स्ट्रिंग क्या होगी आपका, स्ट्रिंग होगी लिस्ट ऑफ सिंबल फ्रॉम अल्फाबेट्स, मीन्स जो स्ट्रिंग होगी कहीं ना कहीं इस अल्फाबेट से जनरेट होगी। प्लस लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या होगा आपका, सेट ऑफ स्ट्रिंग, मीन्स जो लैंग्वेज जनरेट होगी कहां से जनरेट होगी आपका, स्ट्रिंग से। इसको समझने के लिए हम ले सकते हैं कि सबसे बेस में आपका होगा सिंबल। सिंबल मीन्स सिंबल क्या क्या हो सकता है आपका, अगर हम कंप्यूटर सिस्टम में बात करें तो कीबोर्ड पे जितने भी अल्फाबेट, जितने भी नंबर, जितने भी सिंबल है, स्पेशल सिंबल में है, वो सारे किस कैटेगरी में आ जाएंगे, सिंबल में। मीन्स सिंबल में क्या क्या हो सकते हैं, 0 to 9 नंबर हो जाएगा, स्मॉल ए टू जेड हो जाएगा, कैपिटल ए टू जेड हो जाएगा, एंड स्पेशल सिंबल प्लस माइनस डिवाइड कामा मॉडलो, ये सारे हैश, ये सारे किसमें आ जाएंगे, स्पेशल सिंबल में। तो ये सारे चीज क्या होंगे आपके, बेसिक सिंबल होंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें अल्फाबेट्स, तो अल्फाबेट्स क्या है, सेट ऑफ सिंबल। तो सेट ऑफ सिंबल क्या हो सकता है कि इसी सिंबल से आपका क्या बनेगा, अल्फाबेट। अल्फाबेट आपका किससे बना, इस सिंबल से बना, और इसी सिंबल से सेट ऑफ सिंबल अल्फाबेट, इस अल्फाबेट से क्या जनरेट होगा आपका, स्ट्रिंग, और सेट ऑफ स्ट्रिंग से क्या जनरेट होगी, कोई लैंग्वेज। मीन्स एक एक आपका सीरीज है ये, जिसको जिस फॉर्मेट में अल्फाबेट स्ट्रिंग लैंग्वेज समझने की मुझे जरूरत है, और इसी फॉर्म में लैंग्वेज आपका जनरेट होगा। एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल, सपोज मैंने लैंग्वेज लिख दिया राम इज गोइंग टू स्कूल। सपोज मैंने ये लैंग्वेज लिख दिया। अब इस लैंग्वेज के अगर हम देखें तो इसमें स्ट्रिंग क्या क्या हो सकता है, क्योंकि लैंग्वेज हमेशा क्या होगी, सेट ऑफ स्ट्रिंग होगी। तो इसमें स्ट्रिंग क्या क्या हो सकता है, मींस राम आपकी एक स्ट्रिंग हो जाएगी, इज आपकी सेकेंड स्ट्रिंग हो जाएगी, गोइंग आपकी थर्ड स्ट्रिंग हो गई, टू आपकी फोर्थ स्ट्रिंग हो गई, स्कूल आपकी फिफ्थ स्ट्रिंग हो गई। मीन्स पांच स्ट्रिंग के कॉम्बिनेशन से आपका क्या बना, लैंग्वेज। अब अगर स्ट्रिंग की बात करें, स्ट्रिंग कौन सी हो गए, राम इज गोइंग टू स्कूल, अलग अलग क्या हो गए, सारे स्ट्रिंग हो गए। अब अल्फाबेट की बात करते हैं, इसमें अगर हम देखें तो राम जो पहला स्ट्रिंग है, इसमें अल्फाबेट कौन कौन से है, अल्फाबेट मतलब आपका कौन सा है, अल्फाबेट है आपका कैपिटल आर, ए और एम, ऐसे ही इज में है स्मॉल आई और इज, ऐसे ये सारे क्या है, अल्फाबेट यहाँ पे यूज हुए हैं। अब जो अल्फाबेट यूज हुए हैं, अगर इसको हम देखें तो क्या ये सिंबल के किसी कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं, मीन्स आ रहे हैं। आर किस में आ रहा है, कैपिटल ए टू जेड के बीच में आ रहा है, स्मॉल सारे करेक्टर किस में आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं। तो एक एक पार्टिकुलर क्या है, कहीं ना कहीं सिंबल है, जिसको हम जिसी को कॉम्बिनेशन को या उसके उसमें कौन कौन सिंबल यूज हुए हैं उसको हम एक अल्फाबेट बना सकते हैं उससे, और इससे स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग से क्या जनरेट होगी, लैंग्वेज। और इजी समझने के लिए हम इसको कह सकते हैं जैसे कि सिंबल तो यहाँ पे बहुत सारे हो गए, सिंबल में क्या है, नंबर भी है, स्मॉल लेटर में भी है, कैपिटल में भी है, और ऑपरेटर और कुछ ना कुछ स्पेशल सिंबल भी है। तो यहाँ पे जो इस लैंग्वेज में अल्फाबेट यूज हुई, कौन कौन से अल्फाबेट यूज हुई, अल्फाबेट यूज हुई आपकी स्मॉल ए टू
स्मॉल जेड प्लस केवल केवल एक कैरेक्टर कैपिटल का यूज हुआ है, वो कौन सा यूज हुआ है, कैपिटल आर। तो इसको हम कह सकते हैं अल्फाबेट सेट क्या है, ये आपका अल्फाबेट सेट इस लैंग्वेज के लिए है। और अल्फाबेट सेट में क्या आएंगे, कोई कोई सिंबल आएगा, ये चीज आपका यहाँ पे हो सकता है। इसको हम आपको डिस्कस करते हैं। एन अल्फाबेट इज ए फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल एंड इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। कहने का मतलब कि जो आपका अल्फाबेट होगा वो सिग्मा से डिनोट होगा, और ये क्या होगा, फाइनाइट नॉन एम्प्टी मीन्स एम्प्टी नहीं हो सकता कोई भी सिंबल, कुछ फाइनाइट नंबर होंगे, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट नंबर होंगे, फाइनाइट कुछ वो एक दो तीन चार कुछ नंबर में नंबर ऑफ सिंबल हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंबल हम यहाँ पे दे दें। तो जो सिंबल होगा वो हमेशा आपका कर्ली ब्रेस में होंगे, ऐसे हो सकते हैं, सपोज ले लिया हमने 0 1, तो इसको हम कह सकते हैं कि अल्फाबेट सेट किसका है, 0 1 0 1 सिंबल का अल्फाबेट सेट एक आपका बन गया। इसी को हम क्या कहेंगे अल्फाबेट। तो यहाँ पे क्या है, फाइनाइट नंबर में है, दो ही है, प्लस नॉन इम्प्टी, यहाँ पे इम्प्टी नहीं है। और हम ले सकते हैं, जैसे ले लें ए ई आई ओ यू, तो ए भी जैसे हम ले लें सिग्मा ए ई आई ओ यू, तो यहां भी क्या हो सकता है, यहां भी आपका वही है कि यहाँ पे अल्फाबेट सेट ऑफ ए ई आई ओ यू, यहाँ पे एक सिंबल जो है ए आई ओ क्या है, कोई ना कोई सिंबल आपका है यहाँ पे। तो क्या क्या हो सकते हैं इसमें अल्फाबेट सिंबल में, यहाँ पे देख सकते हैं हम अल्फाबेट आपका हमेशा क्या क्या हो सकता है, तीन चीज हो सकती है, एक तो कोई नंबर हो सकता है, नंबर मीन्स 0 to 9 कुछ भी हो सकता है, प्लस कैरेक्टर कोई भी आपका कैरेक्टर हो सकता है जो स्मॉल में ए टू जेड हो सकता है या फिर कैपिटल में ए टू जेड हो सकता है। थर्ड कुछ स्पेशल सिंबल, या हम स्पेशल सिंबल लेके यहां पे कह सकते हैं आस्की कोड, आस्की कैरेक्टर जो होते हैं जितने भी सिंबल आपके हो सकते हैं, जिसका भी आस्की कैरेक्टर कुछ न कुछ होता होगा, वो सारे किस पे हम ले सकते हैं, उसको एज ए सिंबल हम अल्फाबेट पे यूज कर सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पे समझने की बात थी। इसको स्पेशल सिंबल अगर आप कहना चाहें तो स्पेशल सिंबल भी यहाँ पे लिख सकते हैं, स्पेशल सिंबल जिसको लिख सकते हैं प्लस माइनस मॉडलो डिवाइड या डॉलर हैश, ये बहुत सारे सिंबल हम इसमें ले सकते हैं, इसमें किस कैटेगरी में, अल्फाबेट सिंबल में। डिनोट करने के लिए यही तरीका है आपका कि डिनोट हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि फाइनाइट नंबर ऑफ अल्फा सिंबल, यहाँ पे सेट ऑफ सिंबल हम ले सकते हैं। जैसे सेट ऑफ सेट ऑफ सिंबल करने का मतलब यहाँ पे कितने फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल है, 2, यहाँ पे कितने हैं, 5, ऐसे ही कितने भी हो सकते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग क्या है, एक स्ट्रिंग इज A string is a finite sequence of symbol chosen from an alphabet. Means, कहने का मतलब कि अल्फाबेट से ही कोई सिंबल जो हम जनरेट कर लें, अल्फाबेट के कॉम्बिनेशन से कोई सिंबल जो हम जनरेट करें उसी को हम क्या कहेंगे, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हमेशा किससे जनरेट होगा आपका, अल्फाबेट से। जैसे हम कह सकते हैं 0 1 1 1 0 1 इज स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम अल्फाबेट सेट 0 1, हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है, क्योंकि इस स्ट्रिंग में केवल हम क्या यूज हुए हैं, 0 और 1 0 1 0 1 यूज हुए हैं, कितने भी नंबर टाइम मल्टीपल टाइम हो सकते हैं। तो इससे किस अल्फाबेट सेट से जनरेट हुआ, 0 और 1 से, मीन्स इस स्ट्रिंग में जो भी सिंबल होगा वो आइदर 0 होगा या 1 होगा, इसी तरीके से जनरेट हो सकता है। जैसे और भी ले लें, सपोज करो कि मैंने आपका नाम ले लिया, सपोज संदीप इज स्ट्रिंग फ्रॉम, क्या हो सकता है सिंबल, यहां पर सिंबल सिंपली हम ले सकते हैं स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, क्योंकि सारे स्मॉल में है, तो स्मॉल ए टू स्मॉल जेड
ये जो यहाँ पर सिंबल है इसी से जनरेट हो गया आपका क्या संदीप, एक स्ट्रिंग है जो कि जनरेट यहां से हो गया। इस चीज को हम क्या कह सकते हैं, स्ट्रिंग हम कह सकते हैं। आगे देखते हैं कुछ आपके स्ट्रिंग होते हैं, कैटेगरी होते हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो स्ट्रिंग में अगर हम देखें तो स्ट्रिंग में चार सब कैटेगरी मुझे पढ़ने की जरूरत है, यहाँ पे समझने की जरूरत है। तो स्ट्रिंग क्या क्या हो सकता है, अभी मैंने बता दिया स्ट्रिंग कैसे बनेगा आप इसके पहले। अब देखते हैं कौन कौन से सब कैटेगरी की आ सकती है। कुछ हो सकता है एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग कहने का मतलब कि कोई भी स्ट्रिंग जनरेट ना हुई हो। एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब कि कोई भी स्ट्रिंग किसी भी इनपुट किसी भी सिंबल से जनरेट नहीं हुई हो, इसको हम डिनोट करते हैं नल से, जिसको हम कहते हैं साइलेंट नल। मींस ये आपका, इसी को हम कहते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग। कहीं भी आपका अगर सिंबल, कहीं भी आपको आगे नल सिंबल दिख जाए ऐसे, तो उसका सिंपली कहने का मतलब क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग। कोई एक्चुअल स्ट्रिंग यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कोई भी इनपुट सिंबल, कोई भी अल्फाबेट सिंबल यहाँ पे यूज नहीं हुआ, क्योंकि नल अल्फाबेट सिंबल के अंदर नहीं आता, अल्फाबेट नहीं है, इसलिए इसमें हो जाएगा एम्प्टी स्ट्रिंग। सेकेंड होता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मतलब कि सपोज जैसे दे दिया गया आपका कि 011 दे दिया गया, तो इसकी लेंथ कितनी है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मीन्स नंबर ऑफ कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर, नंबर ऑफ सिंबल कितने हैं इसके, 3। इसकी लेंथ कितनी है, 3। जैसे प्रीवियस मैंने रखा था संदीप, संदीप की लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7। यही आपका क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। मीन्स ऑफ स्ट्रिंग अगर हम कहें नल, नल का लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, नल का लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होगा, नल नल का, नल का कहने का मतलब क्या है, नल मीन्स कोई भी अल्फा, कोई भी सिंबल नहीं है वहां पे, तो हमेशा स्ट्रिंग कितना होगा इसको, 0 होगा। इसको मॉड में लिखते हैं जनरली, लेंथ ऑफ लेंथ निकालने के लिए हम किससे लिखते हैं मॉड में, मॉड ऑफ 011 मीन्स लेंथ ऑफ कितना है उसका, 3, लेंथ निकाल लेंगे इससे। नेक्स्ट आता है पावर ऑफ एन अल्फाबेट। पावर ऑफ एन अल्फाबेट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो कि फर्दर यूज आपको कहां पे होगा, लैंग्वेज में। जब हम लैंग्वेज डिराइव करेंगे तो वहां पे इसका बहुत ही यूज होगा, तो इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। पावर ऑफ एन अल्फाबेट, पावर ऑफ एन अल्फाबेट का मतलब है कि आपको कंप्यूट करना है सिग्मा के, सिग्मा के। ध्यान दीजिए सिग्मा यहां पे क्या है, सिग्मा एक इनपुट, सिग्मा अभी मैंने बता दिया, सिग्मा क्या है यहां पे, अल्फाबेट, अल्फाबेट सेट क्या है, अल्फाबेट क्या है सिग्मा। और इसके साथ अगर हम के, पावर में के कुछ भी हो सकता है, नंबर 1 2 3 4 5 कुछ भी नंबर हो सकता है, उसी को कंप्यूटेशन, उसका जो कंप्यूट करते हैं उसी को हम क्या करते हैं, पावर ऑफ एन अल्फाबेट। कंप्यूट करने के लिए क्या होगा, के की वैल्यू सपोज कीजिए, कंप्यूट करने के लिए समझिए कोई भी इनपुट सिंबल सपोज दिया गया सिग्मा, ध्यान समझिएगा सिग्मा ए पी सी। अगर हम यहां पे देखें तो सिग्मा मीन्स क्या, अल्फाबेट है। अल्फाबेट में कितने नंबर ऑफ सिंबल यूज हुए हैं, ए बी सी, 3 सिंबल यूज हुए हैं। अब यहां से हम कह सकते हैं कि मुझे कंप्यूट करना है पावर ऑफ है अल्फाबेट। पावर ऑफ है अल्फाबेट मतलब कि सिग्मा पावर 1, सिग्मा पावर 2, सिग्मा पावर 3। सिग्मा पावर 3 से ज्यादा हम कंप्यूट नहीं कर सकते इस केस में, क्यों, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ सिंबल कितने हैं, 3। जितने भी नंबर ऑफ सिंबल यहां पे होंगे उतने हम सिग्मा पावर कंप्यूट कर सकते हैं, उससे ज्यादा कंप्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे वहां ए बी सी केवल 3 सिंबल है, इसलिए हम सिग्मा पावर 1, सिग्मा पावर 2, सिग्मा पावर 3 कंप्यूट कर सकते हैं। कंप्यूट कैसे करेंगे, सिग्मा पावर 1 का मीनिंग मतलब कि सिग्मा पावर 1 के अंदर जितने भी आपके सिंबल होंगे वो क्या होंगे, उसमें एक एक कैरेक्टर का सेट होगा, एक एक सिंबल का सेट होगा। एक एक सिंबल सेट मतलब ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी। बस ए क्या है, अपने आप इंडिविजुअल ए है, बी क्या इंडिविजुअल बी है, सी क्या इंडिविजुअल सी है, इसके अलावा और इसमें वन नहीं, वन के साथ और कुछ नहीं आ सकता। सेकेंड केस आता है, सपोज मैंने ले लिया 2, सिग्मा पावर 2। सिग्मा पावर 2 का मतलब कि दो दो सिंबल का पेयरिंग हम यहां पे ले सकते हैं। दो दो सिंबल का पेयरिंग से मतलब जैसे मैंने लिया ए ए ए, बी बी, सी सी, ए बी,
एसी बी ए बी सी सी ए सी बी कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आपके ट्रिम्ड स्ट्रिंग यहां से जनरेट हो रहे हैं डिफरेंट स्ट्रिंग जनरेट हो रहा है किसमें जब हम k इक्वल टू 2 ले रहे हैं मींस इसी सिंबल से इसी से अगर हम दो दो का पेयरिंग के साथ लें तो अगर स्ट्रिंग जनरेट करें तो क्या क्या जनरेट हो सकता है a को हम दो बार ले सकते हैं तो यहां पे दो दो क्योंकि मुझे ले सकते हैं हम यहां पे दो कर लेंगे दो यहां भी कर सकते हैं दो यहां भी सी ले सकते हैं इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते थर्ड के केस में हम कर सकते हैं कि यहां पे तीन तीन का पेयरिंग हम ले सकते हैं तीन तीन कैरेक्टर को एक साथ हम रख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग फॉर्म करने के लिए तो कैसे हो जाएगा ए ए ए तीन बार हम ले सकते हैं ए ए बी ए ए सी ए बी ए ए बी बी ए बी सी इस तरीके से हम नंबर ऑफ स्ट्रिंग यहां पे जनरेट कर सकते हैं टोटल काउंट करने का फार्मूला होता है आपका तीन सिंबल आपको दिया गया है यहां पे और तीनों सिंबल में अगर हम पावर से पावर ऑफ एन अल्फाबेट कैलकुलेट कर रहे हैं तो सिग्मा पावर 1 कितना होगा सिग्मा पावर 2 कितना होगा सिग्मा पावर 3 कितना होगा अगर चार सिंबल है तो सिग्मा पावर 4 कितने कितने नंबर ऑफ डिफरेंट यहां पे स्ट्रिंग हो सकते हैं कंप्यूट करने का इजी तरीका है कि आपकी इक्वल हमेशा होता है 3 पावर 1 3 मींस नंबर ऑफ सिंबल 3 पावर 1 ये कितने होगा हमेशा 3 पावर 2 क्योंकि 2 कंप्यूट कर रहे हैं 3 पावर 2 9 तो 9 डिफरेंट यहां पे आएंगे इसी तरह से कितने होंगे 3 पावर 3 मतलब 27 डिफरेंट यहां पे स्ट्रिंग सेटअप स्ट्रिंग जनरेट हो जाएंगे इसमें पावर ऑफ एन अल्फाबेट अगर हम कहें सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग आप यहीं से समझने की कोशिश कीजिएगा सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग मींस जो सिग्मा पावर 3 में कैलकुलेट हुआ सिग्मा पावर 2 में कैलकुलेट हुआ सिग्मा पावर 1 में कैलकुलेट हुआ इन सब को कंप्यूट कर दें एक साथ ले लें तो इसी को हम कहते हैं सिग्मा स्टार सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग मींस सिग्मा पावर 1 यूनियन सिग्मा पावर 2 यूनियन सिग्मा पावर 3 यूनियन अप टू सिग्मा पावर n यूनियन ये चलता जाएगा जितने भी नंबर आपके इनपुट सिंबल होंगे यहां से आना आपका मिल जाता है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ओवर एन अल्फाबेट इसी का आगे फर्दर यूज होगा इसको ध्यान समझिएगा इसी का फर्दर आगे यूज होगा जब हम लैंग्वेज में आएंगे देन अब हम आते हैं कंकटनेशन आपके स्ट्रिंग से मतलब है कि दो स्ट्रिंग को कंकटनेट करना दो स्ट्रिंग को एक साथ ऐड करना तो दो स्ट्रिंग को एक साथ ऐड करने के लिए कैसे होगा सपोज कीजिए कि दो स्ट्रिंग दिया हुआ है एक्स इक्वल टू 011 एंड वाई इक्वल टू 101 दिया हुआ है कंकटनेट करने का मीन्स अगर हम ऐसे लिखें xy इक्वल टू कितना होगा तो पहले x की वैल्यू आ जाएगी 011 इसके बाद y की वैल्यू आ जाएगी 101 अगर हम इसको ऐसे लिखे yx तो yx में क्या हो जाएगा 101 और 011 कहने का मतलब xy इज नॉट इक्वल टू yx तो ये आपका हो जाएगा कंकटनेशन ऑफ स्ट्रिंग नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंग्वेज लैंग्वेज क्या होगा आपका डिफिनेशन पहले देख लेते हैं ए सेट ऑफ स्ट्रिंग ऑल ऑफ विच आर चूजन फ्रॉम सम सिग्मा स्टार कांसेप्ट आ गया सिग्मा स्टार क्या था यहाँ पे अभी मैंने पर पीछे देखा था सिग्मा स्टार मींस सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ओवर एन अल्फाबेट कैसे निकलेगा अभी हम देख लिए कि सिग्मा स्टार मींस सिग्मा पावर 1 यूनियन सिग्मा पावर 2 यूनियन अप टू सिग्मा पावर एन सब कैलकुलेट कर लेंगे सिग्मा स्टार तो लैंग्वेज क्या हुआ लैंग्वेज इज ए सेट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ऑल विच आर चूजन फ्रॉम सम सिग्मा स्टार इज कॉल्ड लैंग्वेज मींस यहां से हम कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज होगी आपकी एल लैंग्वेज इज ए सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार लैंग्वेज इज ए सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार अब जैसे प्रीवियस केस में हम देखें प्रीवियस केस में क्या था प्रीवियस केस में हम कह सकते हैं लैंग्वेज इज ए लैंग्वेज क्या हो सकता है लैंग्वेज इज ए सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार वहां पे क्या था सिग्मा स्टार मींस
सिग्मा पावर 1 यूनियन सिग्मा पावर 2 यूनियन सिग्मा पावर 3। ये था वहां पे, अगर हम इन तीनों का यूनियन निकाल लेते तो तीनों का यूनियन क्या हो जाता, ए बी सी ए ए बी बी सी सी ए बी ए सी ए बी ए सी सी ए, बहुत सारे नंबर आप हो जाते हैं। नंबर में कितने हो जाते हैं यहाँ पे, अगर हम आप कैलकुलेट करें तो सिग्मा पावर वन में कितने आए थे, तीन आए थे, तीन डिफरेंट डिफरेंट आए थे, और सिग्मा पावर टू में 9 आए थे, सिग्मा पावर थ्री में 27 आए थे। इन टोटल को ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 27 प्लस 9 36 39 टोटल 39 यहाँ पे, तो टोटल 39 स्ट्रिंग के सेट जो बन जाएगा, यही क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार। किस एग्जांपल में लिखे, जो एग्जांपल मैंने रखा था सिग्मा ए बी सी, इस एग्जांपल की केस की हम बात कर रहे हैं। तो अगर ऐसा एग्जांपल होगा तो उस केस में सिग्मा स्टार कितने कनेक्ट हो जाएंगे, टोटल 39 डिफरेंट स्ट्रिंग यहाँ पे आ जाएंगे, वो आप कैलकुलेट इजिली कर सकते हैं। तो यहाँ पे यह क्या होगा, यह लीजिए सबसेट, मीन्स इसी का कोई सबसेट, जैसे कोई भी सबसेट हम ले लें, सपोज दे लिया मैंने ए बी बी बी, ये क्या हो जाएगा इस केस में, इसको हम कह सकते हैं कि ये लैंग्वेज है आपका, इसका सबसेट है, तो इसको हम लैंग्वेज कह सकते हैं। तो लैंग्वेज कहां से आएगी, लैंग्वेज उसी स्ट्रिंग में से, कोई भी कॉम्बिनेशन आप स्ट्रिंग हम निकाल लेंगे वही आपका क्या हो जाएगा, लैंग्वेज हो सकता है। अगर सिंगल हम ए भी ले लें, सिंगल ए भी, तो भी हम कह सकते हैं कि यहां से क्या है, लैंग्वेज है इसमें, ये क्या है, लैंग्वेज है। तो यहां से इजीली हम इसको समझ सकते हैं, या इतना और कह सकते हैं कि ये लैंग्वेज क्या होगा, लैंग्वेज एयर लीजिए, लैंग्वेज एयर लीजिए लैंग्वेज ओवर अल्फाबेट सिंबल्स। तो सपोज एग्जाम्पल हम देखते हैं कि क्वेश्चन दिया आपका कि लैंग्वेज मुझे बनाइए, ऐसी लैंग्वेज जिसमें द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ एन नंबर ऑफ जीरोज फॉलोड बाई एन नंबर ऑफ वंस, मीन्स केवल केवल जीरो वन का, जीरो वन ही उस लैंग्वेज में होगा, क्योंकि एन नंबर ऑफ जीरो जो एन नंबर ऑफ वन की बात कर रहा है, तो केवल केवल जीरो वन होगा, फॉर सम एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और एन की वैल्यू क्या होगा, नंबर ऑफ सिंबल एन मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी हो सकता है और उससे ग्रेटर हो सकता है, मीन्स एन की वैल्यू आपके यहां से निकल गई कि एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, प्लस जो सिंबल होंगे, सिंबल मीन्स सेट होंगे, अल्फाबेट सेट, ये आपका क्या होगा, ये आपका, क्योंकि जीरो और वन का ही गेम है, केवल जीरो और वन यहां पे होंगे। अब समझने की कोशिश करते हैं लैंग्वेज क्या होगी, अगर हम एन की वैल्यू जीरो लेते हैं, एन की वैल्यू जीरो लेते हैं मीन्स नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, जीरो टाइम, नंबर ऑफ वन कितने होंगे, जीरो टाइम, क्योंकि नंबर ऑफ यहां पे जीरो तो हो सकते हैं, अगर दोनों केस में जीरो और वन जीरो टाइम हो रहे हैं, कहने का मतलब सिंबल कौन सा आएगा, कोई भी स्ट्रिंग नहीं बनेगी, और क्या बनेगा आपका, नल। अगर वन होते हैं, एन की वैल्यू अगर हम वन लेते हैं, एन की वैल्यू वन लेते हैं, तो नंबर ऑफ जीरो कितनी बार आएगा, वन टाइम, और फॉलोड बाय किससे हो रहा है, नंबर ऑफ वन, वन टाइम, मीन्स अगर लेते हैं तो जीरो वन यहां पे हो सकता है लैंग्वेज में। प्लस अगर हम इसको लेते हैं टू टाइम्स, जीरो को लेते हैं टू टाइम्स, एन की वैल्यू टू लेते हैं तो यहां पर जाएगा जीरो जीरो वन वन, तीन टाइम लेते हैं ट्रिपल जीरो 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 वन वन वन, तो इस टाइप की जो लैंग्वेज होगी, इस टाइप की जो लैंग्वेज होगी, यही लैंग्वेज इस केस में होगी आपकी। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सेट ऑफ बाइनरी नंबर हुज वैल्यू इज प्राइम, मीन्स ऐसी लैंग्वेज आपको बनानी है कि जहां पे जो सेट होंगे उसके अंदर स्ट्रिंग होंगे, वहां पे हर वैल्यू का कोई ना कोई जो उसकी डेसिमल वैल्यू होगा वो प्राइमरी होगा, और उसका बाइनरी नंबर मुझे वहां लिखना हो, तो क्या क्या हो सकता है, जैसे अगर हम बात करें लैंग्वेज क्या होगी, वो सबसे पहला आपका प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे पहला प्राइम नंबर आपका होता है टू, तो टू का अगर हम बाइनरी देखें तो टू का बाइनरी कैसे लिखते हैं, वन जीरो, सेकेंड टू के बाद आपका कौन सा प्राइम नंबर होगा, थ्री, थ्री का बाइनरी हम कैसे लिखते हैं, वन वन, थ्री के बाद का प्राइम कौन सा होता है, फाइव, फाइव को हम कैसे लिखते हैं, वन जीरो वन, फाइव के बाद सेवन, सेवन को हम कैसे लिखते हैं, वन वन वन, इसी तरह से सेवन के बाद कौन सा आता है, सेवन के बाद आपका आ जाएगा इलेवन, इलेवन को हम कैसे लिखते हैं, वन जीरो वन वन, तो इस तरह से
जो भी लैंग्वेज आ जाएंगे इसके अंदर, तो ये सारे क्या हो रहे हैं, प्राइम नंबर। में जितने बाइनरी नंबर है इन सबकी वैल्यू क्या है, प्राइम ही नंबर है। किस तरीके से हम लैंग्वेज जनरेट कर सकते हैं, बहुत ही इजी है, आगे हम और भी डिटेल में इसको देखेंगे। तो दोस्तों आज का मेरा लेक्चर अल्फाबेट स्ट्रिंग और लैंग्वेज के बारे में कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।